हेलो गैंडियंस, माय नेम इज रिशि रोड़ा एंड यू आर वाचिंग बी कैंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन सीक्रेट ट्रिक्स जिससे आप अपने बियर्ड पैचेस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बियर्ड पैचेस के रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी और हर वीडियो में वही सेम बात बताई हुई है। कोकोनट ऑयल लगाएं, विटामिन लें, स्ट्रेस मत लें, अपनी नींद पूरी रखें। लेकिन यू गाइज मस्ट बी लाइक ऋषि भाई, मुझे कल डेट पे जाना है तो तू मुझे बोल रहा है कि मैं एक महीना दो महीना बैठ के कोकोनट ऑयल लगाऊं, कल वाली डेट का क्या करूं उसका बता मुझे। सो इफ यू वांट टू नो थ्री सीक्रेट ट्रिक्स टू हैंडल योर बियर्ड पैचेस, देन मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करता है कि जब हम बियर्ड ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे बियर्ड पैचेस की स्टेजेस क्या होती हैं। हमारे बियर्ड पैचेस की तीन स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे मेन हेयर्स होते हैं उनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम अपने पैचेस को छुपा सकें। दूसरी स्टेज ये होती है कि हमारे जो मेन हेयर होते हैं उनकी लेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे जो पैचेस हैं बड़े आराम से छुप जाते हैं। और तीसरी स्टेज जो मैंने बहुत भाइयों के नोटिस की है कि उनके यहाँ पे बिल्कुल भी चीक्स पे बाल नहीं होते, सिर्फ इतने इतने बाल अभी आने शुरू ही हुए होते हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, उनकी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज वन की एंड ट्रिक नंबर वन। इस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे बियर्ड हेयर्स होते हैं उनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम अपने पैचेस को छुपा सकें। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है कि मेक श्योर आपके मस्टैश हेयर्स, बियर्ड हेयर्स और आपके पैचेस की लेंथ इवन में हो, क्योंकि अगर इन तीनों चीजों की लेंथ इवन में होगी उससे क्या होगा कि जो आपके पैचेस हैं वो बिल्कुल भी ज्यादा नोटिस में नहीं आएंगे और कई बार तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पैचेस हैं ही नहीं। जैसे कि ये फोटो है मेरे एक सब्सक्राइबर की। अब इस भाई ने क्या किया हुआ है कि उसके मस्टैश हेयर्स की लेंथ बहुत ज्यादा है और बियर्ड हेयर्स की लेंथ अनइवन है, उससे क्या हो रहा है कि पैचेस बहुत ज्यादा नोटिस में आ रहे हैं। और ये फोटो है मेरे एक फ्रेंड की। इसने क्या किया हुआ है, अपने पैचेस को बहुत ही स्मार्टली हाइड किया हुआ है। आप नोटिस करें इसके मस्टैश हेयर्स, बियर्ड हेयर्स और पैचेस की लेंथ बिल्कुल इवन है, उससे क्या हो रहा है कि पैचेस का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि पैचेस हैं भी। आई थिंक ही इज द स्मार्ट वन। अगर आप स्टेज वन पे हैं, आप इस ट्रिक को ट्राई करें एंड बैंग ऑन, यू आर रेडी फॉर योर टुमारोज डेट। अब बात करते हैं स्टेज टू की और ट्रिक नंबर टू की। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे बियर्ड हेयर्स की लेंथ इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि हम उससे अपने पैचेस को हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली यही करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वीकनेस दिखे ही ना। इस स्टेज में अपने पैचेस को हाइड करने के लिए आपको बियर्ड ब्रश का इस्तेमाल करना है, बियर्ड कॉम्ब का नहीं, क्योंकि जब हम बियर्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो फ्लफी होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पैचेस अच्छी तरह छुप जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि ब्रश कर लिया और उसके बाद हेयर इधर उधर जा रहे हैं और वो और भी ज्यादा खराब लग रहा है। ब्रश करने से पहले ये बात ध्यान में रखना कि आपके हेयर्स की लेंथ इवन में हो, ताकि जब आप ब्रश भी करें तो वो इवन में दिखें। जैसे कि ये फोटो में मेरे एक दोस्त की। अब यहाँ पे इस भाई ने अपने पैचेस को बहुत ही स्मार्टली हाइड किया हुआ है बियर्ड ब्रश के साथ। आप देख रहे हैं उसकी बियर्ड में हल्की हल्की फ्लफीनेस है, उससे क्या हो रहा है कि पैचेस बहुत अच्छी तरह हाइड हो रहे हैं। और वैसे भी ये क्लोजअप फोटो है और हम पैचेस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वो नोटिस में आ रहा है, अगर हम दूर से देखेंगे तो पैचेस बिल्कुल भी नोटिस में नहीं आएंगे। तो अगर आप स्टेज टू पे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, एंड आई एम श्योर योर डेट विल गोना से यू लुक मोर मैच्योर नाउ। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर थ्री और उन भाइयों के बारे में जिनकी जो लाइन पे तो बहुत अच्छे हेयर्स होते हैं लेकिन चीक्स पे ना ही हेयर्स होते हैं ना ही पैचेस होते हैं। सबसे पहले भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये फेस हर लड़के की लाइफ में आता है। लेकिन आपको इंस्टेंटली क्या करना है अट्रैक्टिव दिखने के लिए, उसके लिए आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बियर्ड स्टाइल, जैसे कि थिन स्ट्रैप, स्ट्रैप एंड गोटे, चिन बियर्ड ओनली, फेडेड चिन स्ट्रैप, थिक स्ट्रैप, गोटे विद सॉल पैच। तो ये थी वीडियो तीन सीक्रेट ट्रिक्स अपने बियर्ड पैचेस को हैंडल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और इन फ्यूचर अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को एनहांस करेंगी, मेक श्योर यू हिट दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन। और आपका बियर्ड पैचेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज नीचे कमेंट करें, आई वुड लव टू आंसर दैट। माय सेल्फ ऋषि रोड़ा साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ऑसम।